राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर मनमोहन सिंह और भूपेंद्र यादव का कार्यकाल 3 अप्रैल को पूरा हो रहा है और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कुछ दिनों पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में 3 नए सदस्यों के लिए राज्यसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी राज्यसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इन चुनावों को लेकर कांग्रेस अलग रणनीति पर काम कर रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अब राज्यसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। ऐसे में पार्टी अब सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस सोनिया गांधी को भेजेगी राज्यसभा। बीजेपी ने भी कर ली अपनी तैयारी पूरी। राजन राठौड़ और पूनिया का नाम भी आगे, सोनिया नहीं तो माकन का नाम भी आगे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से लोकसभा सांसद है और आगे भी रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन उनके स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए लोकसभा के बजाय राज्यसभा चुनाव के जरिए सांसद बनाया जाएगा। सोनिया गांधी की रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। अगर सोनिया गांधी को राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ाया जाता तो प्रियंका गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजा जा सकता है। यह तो लगभग तय है कि कांग्रेस राजस्थान से किसी सीनियर नेता को राज्यसभा भेजेगी। अगर सोनिया प्रियंका गांधी किन्हीं कारणों से राजस्थान से चुनाव नहीं लड़ा जाता तो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन को चुनाव लड़ाया जा सकता है। माकन पूर्व में राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भी रह चुके हैं। वहीं भाजपा ने भी राज्यसभा चुनाव की तैयारियां कर ली है। प्रत्याशियों का चयन पार्टी हाईकमान अपने हिसाब से करेगा। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले सीनियर नेता राजन राठौड़ और सतीश पूनिया को राज्यसभा में जाने का अवसर दे सकती है। राठौड़ लगातार 7 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में वे हार गए थे। सतीश पूनिया पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, लेकिन हाल ही में चुनाव में पूनिया भी हार गए हैं। पूनिया संघ पृष्ठभूमि के हैं। राजन राठौड़ और पूनिया दोनों की ही पार्टी में भूमिका बनाए रखने के लिए राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी है। पूनिया और राठौड़ के बाद तीसरे नेता के रूप में अलका गुर्जर का नाम चर्चाओं में है। वे प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता रह चुके हैं। फिलहाल वे दिल्ली के सह प्रभारी भी हैं।